आइए इस एपिसोड में आपको यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की जनवरी तक की प्रगति, जिसमें खास तौर से अंजी ब्रिज और टनल T49 की प्रगति के बारे में बताएंगे। इसके पिछले एपिसोड में चिनाव ब्रिज की विस्तृत डिटेल बताई गई थी एवं अन्य पुलों के एक्सपेक्टेड टारगेट डेट को डिस्कस किया गया था। यदि आपको इस एपिसोड को देखना है तो इसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी आपको बताते हैं। जम्मू और कश्मीर को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार ने 326 किलोमीटर की योजना बनाई गई। जम्मू से बारामूला तक रेलवे लाइन को दो परियोजनाओं के तहत कश्मीर घाटी को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है। जम्मू उधमपुर रेल लिंक परियोजना JURL, जिसकी लंबाई 54 किलोमीटर है, और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL की लंबाई 272 किलोमीटर है। ये दो परियोजनाएं भारतीय रेलवे द्वारा आज़ादी के बाद किए गए सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य रहे हैं। 326 किलोमीटर की कुल लंबाई में से 215 किलोमीटर में काम पूरा हो चुका है, जिसमें जम्मू उधमपुर कटरा जो कि 79 किलोमीटर लंबाई का है और बनिहाल काजीगुंड बारामूला जो कि 136 किलोमीटर है, ये शामिल हैं। कटरा बनिहाल खंड जो कि 111 किलोमीटर है, इसी खंड पर अभी कार्य चल रहा है और प्रगति पर है। सहज और परेशानी मुक्त कनेक्टिविटी प्रदान करने में USBRL परियोजना के महत्व को देखते हुए परियोजना को 2002 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। USBRL प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट में बड़ी संख्या में सुरंग और पुलों का निर्माण जो कि अत्यधिक उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों में शामिल, ये सभी डिफिकल्ट हिमालय जियोलॉजी में मौजूद हैं। दिसंबर मंथ में टनल T49 की स्केप टनल, जिसकी लंबाई 12.8 मीटर है, इसको कंप्लीट कर लिया गया। ये बीच में इस डायग्राम में दिखाया गया है और ये पूरी टीम है जिन्होंने ये काम कंप्लीट किया। T49 टनल भारत की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल है। यह एक ट्विन ट्यूब सुरंग 12.8 किलोमीटर की है। गांव सुंबर से शुरू होकर रामबर जिले के खारी गांव में समाप्त होती है। T49 टनल में दो ट्यूब हैं, यानी एक मेन टनल है और दूसरी स्केप टनल है। इस सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड द्वारा किया गया है, जो ड्रिल और ब्लास्ट विधि की एक आधुनिक तकनीक है। टनल का क्रॉस सेक्शन घोड़े की नाल के आकार का है। टनल T49 का उत्खनन रामबन और रामसू से होके किया गया है, जिसमें प्री कैम्ब्रियन युग के क्वार्ट्जाइट, नाइस और फाइलाइट की उपस्थिति के साथ मेजर बाउंड्री थ्रस्ट की उपस्थिति है, जो इस टनल को बहुत ही क्रिटिकल बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किसी भी एक्सीडेंट होने की स्थिति में रेस्क्यू एवं रेस्टोरेशन कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य टनल के समानांतर बनाई जा रही स्केप टनल को हर 375 मीटर के अंतराल पर क्रॉस पैसेज से जोड़ा गया है। 15 दिसंबर 2022 को सुंदर और अरपंचेला स्टेशन के बीच स्केप टनल T49 को थ्रू करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। मुख्य टनल T49 का ब्रेक थ्रू 15 फरवरी को ही हासिल कर लिया गया था। इस सुरंग के बनने से पहले सबसे लंबी सुरंग 11.2 किलोमीटर की पीर पंजार टनल थी। इस टनल ने उसको भी पार कर लिया है और अब इस टनल को भारतीय रेल की सबसे लंबी टनल होने का गौरव प्राप्त होने जा रहा है। दिसंबर माह के अंत में ही अंजी खड ब्रिज के सेगमेंट नंबर 14 और 15 को कंप्लीट कर दिया। चलिए आपको अंजी खड के बारे में भी कुछ बताते हैं। अंजी ब्रिज भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टेट ब्रिज है, जो कटरा और रियासी डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है और यह जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। इस ब्रिज में मुख्य पायलान फाउंडेशन से 193 मीटर ऊंचा है, जो नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुल की कुल लंबाई 725 मीटर है, जिसमें 773 मीटर की लंबाई वाला मेन ब्रिज है और 120 मीटर लंबाई का एंसिलरी ब्रिज है। कटरा छोर पर 38 मीटर का अप्रोच ब्रिज शामिल है। 94 मीटर लंबाई का सेंट्रल एम्बैंकमेंट है। यह एक एसिमेट्रिकल केबल स्टेट ब्रिज है। ब्रिज की कुल डेक की चौड़ाई 15 मीटर है और इस ब्रिज को 96 केबल सपोर्ट करते हैं। इनकी लंबाई 82 मीटर से लेकर 295 मीटर तक वेरी करती है। स्पेशल ब्रिज नंबर 39,
यह सुल्ला खड़ नाले के ऊपर 490 मीटर स्पाइन का बहुत ही ऊंचे आयताकार पतले खोखले खंभों वाला एक इंजीनियरिंग चमत्कार इंजीनियरिंग मार्वल है। रियासी स्टेशन यार्ड इस मेगा ब्रिज पर स्थित होगा। इसमें एक लूप लाइन रहेगी और एक मेन लाइन होगी। इस ब्रिज के खंभों की ऊंचाई 35 मीटर से लेकर 105 मीटर तक होगी। नींव के लेवल से 105 मीटर ऊंचा सबसे ऊंचा पियर P5 है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एवं टेक्निकल चैलेंज के बावजूद इस पियर का निर्माण स्लिप फॉर्म शटरिंग का उपयोग किए बिना 31 दिनों के रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया गया। ब्रिज नंबर 43 USBRL प्रोजेक्ट का मेगा ब्रिज है और इसका टोटल स्पान 770 मीटर है। चिनाव ब्रिज के बाद यह इस प्रोजेक्ट का सबसे लंबा ब्रिज है। द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिज इज कॉन्टिन्यूस कंपोजिट गर्डर विद बैलास्टलेस ट्रैक। सभी तैयार टनलों में बैलास्टलेस ट्रैक बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। बनिहाल बारामूला खंड का इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। कटरा बनिहार खंड की इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ स्वीकृत किया गया है और तदनुसार रियासी और सांगलदान में दो इंटीग्रेटेड सब स्टेशन इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इन सब के अलावा अन्य ब्रिजेज जैसे ब्रिज नंबर 58 जो कि डग्गा यार्ड में है, ब्रिज नंबर 87, ब्रिज नंबर 2, ब्रिज नंबर 3, इन सभी पे सुपर स्ट्रक्चर पे काम चल रहा है। जिनके सुपर स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गए वहाँ पर रेल लाइन का काम चल रहा है और ब्रिज नंबर 2 और 3 पे सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर अभी कॉन्क्रीटिंग का काम चल रहा है। तो इसमें अभी टाइम लगेगा और आने वाले समय में जल्दी ही हम देखेंगे। ये वही अब हम देख रहे हैं हमारे सामने, ये वही अंजीखट रिवर जिसके ऊपर ब्रिज बन रहा है। इतना विशाल काय हिमालय पर्वत जल्दी इसके ऊपर ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा और USBRL प्रोजेक्ट की गाड़ियां धड़ल्ले से इसके ऊपर 100 किलोमीटर 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलती नजर आएंगी। धन्यवाद। Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody.